सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह ते तुसी देख रहे हो लीगल हैक्स कैनेडा। दोस्तों ये जो चैनल है एक कम्यूनिटी है जिदे विच ICCRC मैंबर्स या RCIC भी जिन्हों कहा जाता है, या तुसी इहदी फुल फॉर्म कहो तो रेगुलेटेड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स, उन्हां दे नाल ही लॉयर्स है ते दूसरे एक्सपर्ट्स है जो कि काम करते हैं तुहानूं एक सही जेन्युइन जो है एडवाइस देने का, डूज एंड डोंट्स हुंदे आ वीज़ा फाइलिंग दे, उह तुहानूं समझाउण दी कोशिश करदे आ। सो जे तुसी फस्ट टाइम इस चैनल ते आए हो तां प्लीज़ कंसीडर सबसक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो अज का वीडियो जो मैं लैके आया जी, ये है उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिन्हों को 18 मार्च तो पहला दे वीज़ाज है, बट वह जो ट्रैवल सपटेंबर कर रहे हैं या मतलब आपके फाइनल स्टेज पर है कैनेडा ट्रैवलिंग है ना, उन्होंने यह स्पैशली वीडियो है। तो वीडियो के मैं गल करूँगा कि जेडे बच्चों को वीज़ाज तो है ठीक है, बट उन्होंने लास्ट मूवमेंट से उन्होंने जो एडिशनल दो डॉक्यूमेंट्स अपने ऐड हुए हैं जिद कि एक लैटर चाहिए होंगी को यूनीवर्सिटी वन कि नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रैवल क्यों आ रहा है, तो दूसरा तुम क्वारंटीन प्लैन तो की है कितने क्वारंटीन होना है। इन यीज़ों के जो मान लो कोई अपडेट आ रही है या मोडिफिकेशन है तो किमें कर सकते हो वह सारा दसूँगा जी। शुरू कर दें वीडियो। सो दोस्तों सब तो पहली गल आ गई जी, जेड़ा ये कंसर्न आ गया कि पहली गल क्वारंटीन कितने होना है, तो दूसरी गल तो नॉन जो डिस्क्रिशनरी ट्रैवल क्यों है, ये इमीग्रेशन का मैटर नहीं है। इमीग्रेशन ने तो वीज़ा देता डेड सेट, उन्होंने काम खत्म हो चुके हैं। आ जे कंसर्नस आ गए ये आ गए बॉर्डर फोर्स के, जिन्हों आप जी कैनेडा की हैगी CBSA एजेंसी हैगी, CBSA इन चीज़ों का ध्यान रखती है। सो CBSA का काम हैगा ये इन चीज़ों का ध्यान रखना। सो जो भी ये अपनी डीलिंग होगी वह CBSA नाल है, ना कि अपनी इमीग्रेशन नाल है। सो सब तो वड्डा पॉइंट यह है। दूजी चीज़ ये जड़िया मोडिफिकेशन की मैं गल करता हूँ किस तरह नाल है, मान लो थोड़े को लैटर ऑफ जो कॉलेज है वो कोई किसी तरह के चेंज है या मतलब मिसटेक होगी, तुम अपलोड करता हम तुम दुबारा तो कोई दूजी करना चाहते हो अपलोड, उस तरह की कोई गलती होगी, उस तरह की कोई अपडेशन होगी, या तो जिते क्वारंटीन का प्लैन है वह बंदा लास्ट मोमेंट पर आके बदल जाता कि जी मैं क्वारंटीन होने से तुम्हें जगह नहीं दे सकता, कोई भी कारण हो सकता वह और वे आपने जाना चाहते। सो जे इस तरह की कोई सिचुएशन है तो डील करना CBSA नाल डील करना, इतू इलावा कोई तीसरी कोई सिचुएशन आँदी है वो तुम कमेंट करके दस सकते हो, दूजे का भी फायदा होगा। सो जे थोड़ी ये सिचुएशन आ रही है तो करना है, सब तो पहली गल जरा अपडेटेड इनफोरमेन का जो भी फॉर्म हैगा द्वार तो अपलोड कर दो पोर्टल के उत्ते ठीक है जी। तो दूसरा तुम अपलोड करना है लैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। लैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दे विच की तुसी दसना है कि हालातों में मेरे तो मतलब जो मेरी पहला वाली गिवन इनफॉर्मेशन सी वह गलत सी या गलत होगी या चेंज होगी, तो हुण जो मेरी नवी है वह बारे तुसी दस दो कि हुण मेरी यह जो है प्रेजेंट सिचुएशन यह है और रिगार्डिंग मैं तुहानू जो है फॉर्म आपका अपलोड करता पोर्टल पर। सो ये ये जड़िया चीज़ा आ गई ना, कवर लैटर होगी, SOP होगी, इस तरह की लैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन होगी, ये फॉर्मल जो लैंग्वेज होंगी वह तो बहुत वाइटल रोल प्ले करता होंगे है ना। सो कोशिश करो कि एक चंगा जो राइटर जिन्हों फॉर्मल राइटिंग स्किल्स हैगे है, जो तुम फाइल किसी एजेंट तो लवाई है तो डेफिनेटली थोड़े को मतलब यहोजे बंदे हो ना जिन्होंने वीज़ा दवाया, तो उन्होंने गल करो कि लैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन किवें लिखनी है। सो एक चंगी फॉर्मल लैटर दे विच तुसी फॉर्मल लैंग्वेज दे विच तुसी लैटर लिखनी है तो वह अपलोड कर दो। इतों बाद चो जिहड़ा थर्ड स्टैप है बहुत जरूरी स्टैप है वह हैगा जी CBSA दी हेल्पलाइन दे उत्ते ईमेल पाउणी। ईमेल भी बहुत फॉर्मल रखनी है, बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, वह कोई एवं ऊट पटांग दीआं गल्लां नहीं करनियां, लंबियां कहानियां च नहीं आना, सिंपल टू द पॉइंट गल करनी है। यह चीज़ इनफॉर्म करनी है कि मेरे मैं पहला पोर्टल पर अपलोड करता सी बट कुछ कंडीशन करके या सरकमस्टांसिस मेरे जो चेंज होगी और रिगार्डिंग मैं पोर्टल पर अपलोड कर चुके हैं, उत्थे मैं लैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी देती तो नवा फॉर्म भी फिल करता। इदू इलावा कोई होर फॉरमैलिटी हैगी, इदू इलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट तो चाहिए तो मैं दस दो, मैं वह भी अपलोड कर दूंगा। सो ये जो तुम ईमेल करोगे उन्होंने ये की हो एडिशनल सेफ्टी हो एंड
एक बहुत जरूरी चीज़ मैं मिस कर रहा, उपर थोड़ी स्क्रीन पर मैं फ्लैश कर दिना, CBSA की ईमेल आँगी होगी और आपकी ईमेल कर सकते हो, जो भी CBSA की हेल्पलाइन की ईमेल है, ठीक है जी, वह फ्लैश हो रही है उत्ते ईमेल करना। बैक टू वीडियो, ये की होगा, तुम जड़ा है कंडीशनल सेफ्टी ले रहे हो, तो मैं हमेशा यह रेकमेंड करना कि फालतू रिस्क लैन के कदम भी सियाणप नहीं होंगी। रिस्क तुहाडा कैसे कवर हो रहा, तुसी तुहाडे कोल एक प्रूफ होगा कि मैं जो है उत्थे डिपार्टमेंट नू ईमेल कीती सी, मैं पूछा सी कि मैं आ दो चीज़ां अपलोड करती हां, तीजी चीज़ कोई हैगी है तां तुसी दस सकदे हो। हाँ, जे कोई होई तां डेफिनेटली तुहानू दसणगे, जे ना होई या रिवर्ट बैक नहीं आउंदा तां तुसी एक सेफ साइड ते हो, क्योंकि तुसी आपदे वन्नियों ड्यूटी आपदी पूरी करती। इस तरह नाल तुहाडा उह काम जो है कवर हो जूगा। तो ईमेल लिखन वेले एक होर चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ईमेल दे विच तुसी कोई भी ईमेल दे विच तुसी किसी तरह की भी अटैचमेंट अटैच नहीं करनी है। स्पेसिफिकली मैनशनड है उन्हां दी वैबसाइट ते कि जिदे विच जिहड़ी ईमेल दे विच कोई अटैचमेंट होगी असीं उहनूं ओपन नहीं करदे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। सो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, खास ध्यान रखना है, कोई भी अटैचमेंट अटैच नहीं करनी। जे अटैचमेंट अटैच हुई तो उन्होंने ओपन नहीं करनी, उन्होंने को एक सोलिड रीज़न है कि असी स्पैशली मैनशन किया हो कि अटैचमेंट असी ओपन नहीं करते। सो एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, ऊट पटांग दी गल्लां नहीं करनियां, तो दूसरी अटैचमेंट नहीं कोई अटैच करनी, तो फिर तुम आपकी ईमेल भेज सकते हो, उहदा तुहाडे कोल एक मतलब प्रिंट भी लै सकते हो, तो या तुहाडे कोल फोन दे विच प्रूफ होगा सेंट मेल दे विच कि हाँ जी मैं मेरे कोल हैगा प्रूफ कि मैं पूछा सीगा मैनू दस्या नहीं गया है कुछ भी है। ये नाल तुसी एक सिक्योर साइट पर हो जाओगे। सो यह जी अज का वीडियो, आई होप वीडियो वधिया लग्या होगा, वीडियो वधिया लग्या होगा तो इन लाइक एंड शेयर करना ना भुला, जे कोई डाउट है या क्वेश्चन है उन्होंने कमेंट करके पूछो, मैं वह आंसर करूँगा, तो जे मैंने लगे तो वीडियो बना के देवे। वीडियो देखने लिए थैंक यू एंड टेक केयर जी, मिलते हैं अगली वीडियो के।